लेकिन सिद्धांत तौर पर कहने का है कि समाज की गति को बढ़ाने के लिए शक्ति का प्रयोग सदवित्र करेगा। तो स्वाभाविक गति चल रही है, शक्ति का प्रयोग हुआ, इस शक्ति के प्रयोग से जो स्थिति पैदा होगी उसको प्रौद्योगिकी की भाषा में बोलते हैं क्रांति। क्रांति मतलब रिवोल्यूशन नहीं, ये क्रमिक विकास है। क्रमिक विकास जो हो रहा है उसकी गति धीमी है, उसको जरा सा बढ़ा देना। तो क्रांति में गति बढ़ाई जा रही है सदविप्र के द्वारा, लेकिन ये क्रमिक तौर पर इंस्टॉलमेंट स्लोली, ये माइल्ड फोर्स का एप्लीकेशन है। अगर समाज में विकृति ज्यादा नहीं है, इतने माइल्ड प्रयोग से समाज की गति ठीक होनी चाहिए। इस सूत्र के द्वारा प्रौद प्रणेता का यही मत है। अब अगले सूत्र में कहा जा रहा है तीव्र शक्ति संपातेन चक्र गतिवर्धनम विप्लवः। क्रांति से काम नहीं चला, माइल्ड शक्ति के प्रयोग से काम नहीं चला, तो सद्विप्र क्या करेंगे? हाथ पर हाथ नहीं बैठे रखेंगे, उनको अब देखना होगा कि अब क्या करना चाहिए। तो वो तीव्र शक्ति का संपात करेंगे, उसे अधिक फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि उनका काम है समाज चक्र को की गति को ठीक करना, ताकि समाज का चक्र जिस गति से चलना चाहिए उस गति से आगे बढ़ रहा हो। क्योंकि समाज में चार प्रकार के मनोविज्ञान के लोग तो हैं ही, वो देखना है किसी का भी शोषण कोई नहीं कर रहा या कर पा रहा है, क्योंकि वॉच डॉग आज सोसाइटी का नहीं है, समाज से भय ही नहीं है, क्योंकि समाज को आपने बांट कर रखा है जात पात ऊंच नीच छुआछूत, तो भय कहाँ है इसमें। जब समाज का वॉच डॉग बैठा है और किसी को इस भेदभाव में डिवाइडेड नहीं होने देगा, कैसे होगा उसके लिए सोचेगा। अभी यूटोपियन आइडिया लग सकता है, लेकिन प्राउड के सभी सिस्टम का जब प्रयोग होगा तो ये संभव है। अगर हमारा विद्वत समाज, समझदार वर्ग समाज का इस चीज को मानता है कि हमारा कल्याण, हमारा सबका कल्याण इसी में है, तो कोई चीज असंभव नहीं। और परिस्थिति ऐसी बन रही है कि हमको उस बिंदु पर आना ही पड़ेगा कि हमको इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि जब हम हर चीज से उब जाएंगे, करीब करीब उबने लगे, तो मजबूर होकर के हमको सिस्टम अपनाना पड़ेगा। और जब तीव्र शक्ति का संपात हुआ, चक्र की गति ठीक हुई, बढ़ा दी गई, उसको प्रौद प्रणेता ने कहा है विप्लव। विप्लव हुआ रिवोल्यूशन। तो पूरा विश्व आज वैश्य युग से गुजर रहा है, प्रजातंत्र वैश्य युग में होता है,
ये इसकी खासियत है। और वोट की राजनीति होगी, शोषण होगा, शोषण होगा तो त्राहि त्राहि मचेगा। तो हम नए सिस्टम की खोज करें। तो मेरा ख्याल आज सभी एक नए सिस्टम की खोज अवश्य कर रहे हैं। नहीं मिल रहा है दूसरी बात है, लेकिन खोज तो है। प्राउत वही व्यवस्था। आज जो बातें उभर करके समाज में आ रही है कि भारत ही नहीं विश्व के अनेक देश परिवर्तन के कगार पर। भारत के साथ रसा में तो कब से ड्यू है, चाइना, फिलीपींस, इवन अमेरिका, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड अपने परंपरा को मानता है, परंपरा को मानी है, लेकिन समाज को बनाने के लिए परंपरा कोई रास्ते में नहीं आ सकती। ये जो परिवर्तन होगा विप्लव के द्वारा, ये होगा शूद्र विप्लव। इसमें शूद्र शूद्र, क्षत्रिय शूद्र और विप्र शूद्र जब सब मिलकर के मिलेंगे और वैश्यन एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जब आवाज उठी, वो जो परिवर्तन होगा उसका फायदा समाज के हर वर्ग को होगा। लेकिन यहाँ हम एक बात कहना चाहेंगे कि किसी चेंज के लिए, किसी इतने बड़े चेंज के लिए, विप्लव के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे किसी रिकॉर्डिंग के लिए कैमरामैन कितनी तैयारी करता है, भोजन करने के लिए किचन में कितनी तैयारी होती है। अगर सामाजिक परिवर्तन, एक सरकार चलाने के लिए कितनी तैयारी होती है, इलेक्शन होता है, पार्टी लड़ती हैं, पहुंच करके स्टेट या सेंटर में अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, फिर वो खोजते हैं कि मेरी कैबिनेट कैसी है। अवश्य ही पार्टी की क्षमता के मुताबिक वो लोग देखते हैं कि हम अच्छा हमें तो जिस मिनिस्ट्री को दे उसका काम ठीक से कर सके। तो हर चीज़ की तैयारी। अगर हम इस प्रकार से परमानेंट चाहते हैं और देखा कि प्राउत दर्शन हमको इसमें सहायक होगा, क्योंकि कैपिटलिस्टिक सिस्टम फेल चुका है, कम्युनिस्ट सिस्टम फेल हो चुका है, आज के विचारकों के मुताबिक जो फ्यूचर स्टडी कर रहे हैं उनके मुताबिक प्राउत ही अल्टरनेटिव है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। इस प्रकार के परिवर्तन के लिए अगर चार प्रकार की के हथियार उसके हाथ में नहीं है तो इस परिवर्तन में शरीक होगा लेकिन फेल हो जाएगा। पहला है प्रिसेप्टर, एक गाइड होना चाहिए। दूसरा है परिवर्तन का दर्शन, एक कम्प्रिहेंसिव फिलॉसफी। जब हम वैश्यन एक्सप्लॉयटेशन से, शोषण से, शोषण विमुक्त समाज बनाने जा रहे हैं तो मेरे पास एक कम्प्रिहेंसिव दर्शन होना चाहिए कि शोषण कितने प्रकार का होता है, शारीरिक, आर्थिक शोषण तो होता ही है, मानसिक शोषण भी होता है, आध्यात्मिक शोषण भी होता है। तो मानसिक और आध्यात्मिक शोषण इतना सूक्ष्म है कि जल्दी समझ में नहीं आता, इसलिए कम्प्रिहेंसिव फिलॉसफी हमको बतलाएगी कि शोषण कितने प्रकार के हैं, उसे हम कैसे बचेंगे, उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा। जैसे एक बगैर मैप के कोई नक्शा नहीं, मकान नहीं बन सकता, उसी प्रकार से जो सोशल चेंज है उसका मैप है, उसी को कम्प्रिहेंसिव दर्शन कहते हैं।
इसलिए जो कोई परिवर्तन के लिए आगे बढ़ता जा रहा है, जनता समाज के लोग उससे पूछ रहे कि आपका दर्शन क्या है, आप किस आधार पर ये परिवर्तन करेंगे, उसकी दिशा क्या होगी, आपका इस पर चिंतन क्या। अगर समाज इस बात पर सावधान है तो कोई भी परिवर्तन के नाम पर समाज का शोषण नहीं कर पाएगा और कल को हमको अफसोस नहीं होगा कि ये भी हमको धोखा दे। तीसरा कैडर, जुबानी परिवर्तन नहीं हो सकता, एक आदमी कितना भी ईमानदार हो परिवर्तन नहीं कर सकता। भगवान भी इस धरती पर पैदा होते हैं तो भक्त इकट्ठा करते हैं कोई काम करने के लिए। एक कोई प्राइम मिनिस्टर कितना भी कुशल हो लेकिन एक अपनी कैबिनेट बनाता है। किसी देश का प्रेसिडेंट कितना भी कुशल क्यों नहीं हो लेकिन उनको गवर्नमेंट की डिफरेंट मशीनरी चाहिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, सब चाहिए अंग काम करने के लिए। किस परिवर्तन के लिए, इस विप्लव के लिए कैडर ही नहीं चाहिए, ट्रेंड कैडर चाहिए, उसके ट्रेनिंग की व्यवस्था हो। कहते हैं वेजिटेरियंस कि कटहल की सब्जी प्रोटीन की कमी पूरा करता, लेकिन कटहल काटने के पहले हाथ में तेल लगाना चाहिए। तो अगर कैडर आपके पास हाथ में तेल लगाया हुआ नहीं है तो उसके हाथ में गोंद तो लगे। तो समाज की कठोर धरती पर जब आप प्रयोग करेंगे परिवर्तन का और कैडर ही अगर धोखेबाज निकला तो विप्लव फेल हो जाए। आमतौर पर देखा जाता है परिवर्तन की बहुत बड़ी बड़ी भूमिका बनती है जब उस कैटर के हाथ में परिवर्तन के बाद सत्ता आती है, तो उसको ही लग्जरी कार चाहिए पहले। अब पहले वाले राजा से ज़्यादा लग्जूरियस होता दिख जाता है। वो करप्ट इसलिए नहीं दिखता उस टाइम में, चेंज के टाइम में, कि उसको करप्शन का टाइम नहीं मिला, मौका नहीं मिला। इसलिए रिवोल्यूशनरी चेंज के लिए कैडर और उसकी कठोर ट्रेनिंग फौज की टुकड़ी को अगर कारगिल भेजना है तो कहीं से फील्ड से गर्म जगह से उठा करके एक बैग वहाँ नहीं भेज सकते, ठंड से मर जाए। उसको एक्लेमेटाइज करते हैं आप। पायलट की ट्रेनिंग में अचानक किसी को जहाज आप नहीं दे देंगे। स्पेस में किसी को भेजना है उसकी ट्रेनिंग करते हैं। IAS की ट्रेनिंग होती है, IPS की ट्रेनिंग होती है, कैमरामैन की भी फोटोग्राफी के लिए ट्रेनिंग होती है। तो अगर कैडर का रिक्रूटमेंट, उसकी ट्रेनिंग अगर नहीं है, उसके पास अगर नहीं है तो सामाजिक परिवर्तन नहीं है, इतना ही काफी नहीं है। चौथा उसका तत्व तो होगा एक मजबूत संगठन। तो जब तक मजबूत संगठन नहीं होगा तब तक कोई भी विप्लव सफल नहीं होगा। हमसे बहुत लोग मिलते हैं, परिवर्तन की भूमिका अदा करने वाले बहुत लोग हमसे मिलते हैं। जब मैं उनसे प्रश्न करता हूं, भाई आप तो काम कर रहे हैं गरीबों के लिए लेकिन ऐसा कर्म क्यों नहीं, क्यों करते हैं आप, तो चुप हो जाते हैं। तो लगता है कि वो मजबूर हैं, कैडर उनके हाथ में नहीं, उनका कहना नहीं मान, मजबूरी से उसे काम ले रहे हैं। इसलिए विप्लव, सामाजिक विप्लव, युग परिवर्तन तभी संभव है जब एक वेल निट मजबूत संगठन होगा।
क्योंकि संगठन प्रेडिक्ट देगा, कंट्रोल करेगा, डिसिप्लिन देखेगा कि हमारे कैडर का अनुशासन ठीक है, दिशा ठीक है कि नहीं। इसलिए प्रवृत्ति के सूत्र में तीव्र शक्ति संपातेन चक्र गतिवर्धनम विप्लव, इसलिए कोई भी विप्लवी अगर मूल परिवर्तन चाहता है व्यवस्था में, तो उसको इन चार चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तभी वो परिवर्तन कुछ करके दिखाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो भी आदमी फेल हो जाएगा और समाज का शोषण करेगा।